आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ ब्लॉक पर मंगलवार को प्रमुख एवं सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार द्वारा एवं सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा सदस्यों के साथ एक बैठक का प्रस्ताव लिए गए। इस दौरान क्षेत्र के कुल 107 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इसके पूर्व सुबह से ही ब्लॉक के कर्मचारी शपथ ग्रहण तैयारी करने के लिए जुट कर ब्लॉक को फूल माला गुब्बारा टेंट आदि लगाकर दुल्हन की तरह सजा रहे थे। इस दौरान क्षेत्र के कुल 107 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इसके पूर्व सुबह से ही ब्लॉक के कर्मचारी शपथ ग्रहण तैयारी करने के लिए जुट कर ब्लॉक को फूल माला गुब्बारा टेंट आदि लगाकर दुल्हन की तरह सजाया। लगभग 3 बजे उप जिलाधिकारी द्वारा सभी को शपथ दिलाई गई तथा सभी अतिथियों को बूके एवं फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान प्रमुख अलका मिश्रा मनीष मिश्रा दोनों ने एक दूसरे को माला पहना कर निर्विरोध जीत की बधाई दी और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस मौके पर अलका मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से आप सबके स्नेह प्यार से आपने मुझे प्रमुख बनाया है उस पर मैं खरी उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। साथ ही साथ ब्लॉक को विकास की एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भी मेरा भरपूर प्रयास होगा, जिससे कि जनपद में अजमतगढ़ ब्लॉक सम्मान के साथ जनपद में ही नहीं प्रदेश में अजमतगढ़ ब्लॉक का विकास कार्यों में आने के लिए एक रोल मॉडल बन सके। वहीं मनीष मिश्रा और पिंटू ने कहा कि अजमतगढ़ ब्लॉक जनपद में सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक की श्रेणी में गिना जाता है, जिसका विकास करके इसे जनपद में अग्रणी स्थान पर लाना है, जो मेरी बरसों की इच्छा है। जिस तरह से यहाँ के लोगों ने मेरी पत्नी को निर्विरोध निर्वाचित किया है वह एक बड़ी जीत है एवं विकास की जीत है। हमने गांव से लेकर ब्लॉक तक जो विकास किया था यह उसी का परिणाम है कि यह जीत नसीब हुई है। इस मौके पर सीओ सगड़ी महेंद्रनाथ शुक्ला, एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार, खंड विकास अधिकारी इरशाद अहमद, भाजपा नेता संतोष सिंह, देवेंद्र सिंह, अनिल मिश्रा, कमलेश व छपरा सुल्तानपुर के महाप्रधान जनार्दन राव एवं रामवृक्ष गौतम महाप्रधान, भाजपा नेता अरविंद जायसवाल, सुभान खान, चंद्रकला मिश्र, रामाश्रय राय, नागेंद्र पटेल, अर्जुन राम आदि लोग उपस्थित रहे। अजमतगढ़ ब्लॉक में हमारे क्षेत्र पंचायत साथियों और प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। सारे ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत साथियों में हर्षोल्लास का वातावरण था। सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अजमतगढ़ ब्लॉक नहीं सगड़ी विधानसभा के कोने कोने से आए हुए दूसरे ब्लॉकों के भी प्रधानों लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और स्वागत सम्मान में शपथ ग्रहण समारोह में सबकी सहभागिता रही। मैं सब आए हुए अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन किया। उसके बाद आज क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक हुई जिसमें विकास की गति देने के लिए हमने उनसे 10-10 लाख रुपये का विकास करने का प्रस्ताव मांगा और एक गांव सभा में 15 LED 2 सोलर लाइट देने का वादा किया और यह काम 1 महीने के अंदर इस विकास खंड में सारे गांव सभाओं में होगा और यह निश्चित रूप से हमारे ग्राम प्रधान सारे बढ़ चढ़ के विकास की गति में आगे काम कर रहे हैं। मैं उनका सहयोग देने का काम करूंगा हमेशा। जो मोदी जी का, योगी जी का जो वादा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्हीं वादों के साथ हम एक कदम आगे बढ़ चढ़ के सभी क्षेत्र पंचायत साथियों का, ग्राम प्रधान साथियों का और क्षेत्र के सम्मान में जो सम्मानित गणमान्य व्यक्ति हैं उनका जो भी सुझाव आएगा उसको भी इस विकास खंड के माध्यम से विकास दिया जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से आज अजमतगढ़ ब्लॉक में निर्विरोध जिला पंचायत जिला ब्लॉक प्रमुख अलका मिश्रा जी चुनाव जीत करके आई हैं और इनको बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से अजमतगढ़ का 5 वर्षों में बहुत ही विकास होगा। सारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं क्रियान्वयन होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अजमतगढ़ ब्लॉक के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और निश्चित रूप से आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब यहाँ से निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और साथ ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पहली बार ब्लॉक प्रमुख बनी। देखिए, मैं आशा कर रहा हूँ कि पहले के लोगों को भी जो बेहतर लगा होगा वो अपने हिसाब से वो कार्य को किए होंगे, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ इस क्षेत्र की जनता को कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख बना है यहाँ पे पहली बार और उसी प्रकार प्रदेश में भी और केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि क्षेत्र के हर गाँव में विकास की गंगा हर घर तक पहुंचेगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। आज क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण था। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष सहित जितने भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य निर्वाचित हुए उनका सबका शपथ ग्रहण समारोह था। पंचायती राज व्यवस्था में, त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत एक महत्वपूर्ण कड़ी है और पंचायती राज व्यवस्था गाँव और गरीब के लिए ही लागू की गई थी। आज के अवसर पर यह क्षेत्र पंचायत जिसका आज गठन हुआ है निश्चित रूप से गांव के कल्याण में, गरीब के कल्याण में काम आएगी, यही आज के अवसर पर कहना है।
निश्चित रूप से होंगे, अच्छे विकास कार्य होंगे, सारे लोग एकजुट से सबका साथ सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते अलका मिश्रा यहाँ क्षेत्र पंचायत की अध्यक्ष हुई हैं, तो सबको साथ लेकर चलेंगे, निश्चित रूप से विकास होगा। ये तो अच्छी बात है, सभी लोगों के सहमति से तय हो गया और एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में आई थी अलका जी और सभी लोगों ने इनको सहयोग किया, सबके सहयोग से निर्विरोध चुना हुआ और आज उनके हम लोग शपथ ग्रहण में आए हैं। सभी लोग बधाई दे रहे हैं उनको। दीदी कोई खराब नहीं होता, सबका अपना काम करने का स्टाइल होता है, उनका अपना स्टाइल था, इनका अपना स्टाइल होगा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यही नारा हम लोगों का, इसी पर काम करना है।